सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं, गोवा जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सुबह गाड़ी स्टार्ट करके मैं जस्ट चेक कर रहा था क्या है क्या नहीं, सब ऑयल वगैरह चेक कर रहा था, कूलेंट के अंदर पानी के नहीं वो चेक कर रहा था, देख लूँ रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो जाए इसके लिए। अभी अंधेरा, अभी ठीक से उजाला नहीं हुआ है, सब कुछ चेक करके निकलते तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाइपर का पानी वगैरह चेक कर लेता हूँ। और दोस्तों सब लोग मिल गए, हम लोग निकल चुके हैं अभी। दोस्तों सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए और हमने लगभग 50 किलोमीटर जैसा पार भी कर लिया। अभी डीजल भरवाने रुका था, फुल कर रहे हैं। ऑलरेडी डीजल था अंदर लेकिन मैं सोचा फुल करवा लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे चाय वाय पीने बताएंगे आपको। 2700 रुपये का आया और मुँह तक आ गया एकदम पूरा, थोड़ा सा और डाल दो भैया, 2800 तक का होगा तो भी चलेगा, डाल दो। दोस्तों फाइनली हम 100-120 किलोमीटर के बाद पांडे जी होटल बोल गए, तो पांडे जी होटल के यहाँ चाय वाय पीने रुके हुए, मज़ा आएगा। दोस्तों इडली बड़ा ले लिया और हमारे डॉक्टर साहब ने पोहे लिया हुआ है, तो खा रहे हम लोग, मज़ा आए। दोस्तों अभी हम लोग सांगली मिरज में रुके हुए हैं। सांगली मिरज ये जॉइंट ही है, जिस तरह अपना अहमदाबाद चांदखेड़ा बोल लीजिए उस तरह ही है ये। यहाँ पर होटल रहमतुल्ला बोल के, वहाँ पे चाय वाय पीने रुके, गाड़ी पीछे लगा दी, थोड़ा आराम दे रहे थे गाड़ी को। बातें करते करते आपसे याद है कि लॉक ही नहीं किया मैंने, लॉक कर देता हूँ। चलिए चाय वाय पीते हैं फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। दोस्तों कंटिन्यू 150 किलोमीटर जैसा ड्राइव किया, एक बार अभी गांव में रुके हैं। हमारे पास एक्चुअली दो ऑप्शन थे कोल्हापुर पहुंचने के बाद, एक हाईवे से जाना और एक गांव के अंदर अंदर से होके जाना। गांव के अंदर अंदर से होके जाने का फ़ायदा ये है कि यहां पर 1 घंटा कम दिखा रहा था, हाईवे पर 1 घंटा ज़्यादा दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक अम्बोली घाट आता है, वो घाट चढ़ने में वहाँ पर टाइम लग जाता है, तो 1 घंटा वहाँ का एक्स्ट्रा दिखा रहा था। गाँव के अंदर ये अब देख रहे हो इस तरह की सड़क, यहाँ से हम जा रहे हैं तो कम टाइम दिखा रहा है, हाईवे से ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। और यहाँ पे आने की मज़ा ही अलग है, ये देखिए जगह जगह ये आम के झाड़ वगैरह है, गन्ने के खेत काफ़ी है यहाँ पर। सामने के साइड भी आप देख सकते हो, सामने के साइड गन्ना ही गन्ना है, क्योंकि कोल्हापुर सांगली मिरज यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देख सकते हो गन्ने के काफ़ी सारे खेत है, ये नारियल के झाड़ वगैरह आ रहे हैं, बढ़िया है यहाँ पर। जगह जगह आगे हमने मतलब देखा भी, जो इतना बड़ा नारियल 10-10 रुपये का मिलता है, जो अहमदाबाद में 100 रुपये का भी नहीं देंगे, इतना बड़ा नारियल केवल 10 रुपये का यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। एक जगह गाड़ी अभी मैंने स्टॉप की हुई है, गाड़ी यहाँ पे अभी रुका दी है मैंने, थोड़ा सा अभी आराम करेंगे यहाँ पे, 5-1 मिनट रुकेंगे। ये घर पता नहीं अबेंडेंट घर है, पता नहीं किस बेचारे का है। दोस्तों बस 100 किलोमीटर बाकी है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग गाँव के अंदर से होके जा रहे हैं, तो सामने देखिए विंड मिल्स वगैरह काफ़ी सारी दिख रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी पास से दिख रही है। दोस्तों अभी हम बेलगावी पहुँचे हैं, बेलगावी एक सिटी है, वहाँ के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, देख सकते हो आगे पूरा लाल दिख रहा है, पता नहीं कहाँ तक ट्रैफिक रहेगा। चलिए ये हो जाए क्लियर तो सीधा गोवा में स्टॉप लेंगे। दोस्तों फाइनली अभी गोवा बस आधे घंटे में आने वाला है, उसके पहले एक बड़ी भूख लगी थी, तो यहाँ पर होटल वन माला में खाने रुके, गार्डन रेस्टोरेंट है, वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है यहाँ पर, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं, एकदम गार्डन रेस्टोरेंट मतलब फुल गार्डन टाइप एरिया दिया हुआ है। दोस्तों होटल में एंटर होने के पहले मेन्यू भारी लिख दिया, टुडे स्पेशल चिकन कस्तूरी कबाब, मुल्तानी कबाब, इंटरनेशनल कबाब और एलिसन कबाब। ये एलिसन किसका नाम है? दोस्तों आके बैठ गए अंदर रेस्टोरेंट में, देखते हैं अभी क्या ऑर्डर करेंगे। बड़ा रिलैक्स लग रहा है, बहुत भूख लगी थी ज़बरदस्त। दोस्तों हमने बस स्टार्टर पूरा फुल चिकन तंदूरी मंगाया है, मेन कोर्स बाद में आगे जाके होटल वोटल ढूंढ के फिर खाएंगे, क्योंकि होटल वोटल ढूंढा नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, बस ऐसे ही रात को प्लान बना, सुबह निकल पड़े ऐसा था। अभी फिलहाल मसाला पापड़ मंगाया है हमने, मसाला पापड़ पहले खा लेते हैं, बाद में चिकन तंदूरी तो आ ही रहा है फुल। दोस्तों चिकन तंदूरी आ चुकी है, उसको पीस पीस करके लेके आया भाई, बहुत बढ़िया तरीके से, अब इसको चटनी वटनी में डुबो के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों खाना वाना हो गया है बढ़िया सा, अब बाहर निकल रहे हैं, जाते देर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है अपन, अभी यहाँ से 90 किलोमीटर जैसा पता नहीं समथिंग कुछ है। दोस्तों गोवा जाने के 2-3 रास्ते बंद है, जगह जगह से मैं घूम फिर के वापस आ रहा हूँ, फिर बाद में अभी रामनगर बोल के एक एरिया है वहाँ से मैं जाऊँगा। दोस्तों फिर रामनगर बोल के एक एरिया है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं गोवा, और पीछे एक फॉरेन का बंदा है, उसकी वाइफ, उसकी छोटी बच्ची वगैरह है,
तो वो लोग भी हमको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी घूम घाम के आए, उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा था, फिर फाइनली वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। देखते भी क्या होता है, रामनगर पहले जाना है फिर वहाँ से पहुँचेंगे गोवा, क्योंकि जंगल के अंदर से जो मेन रास्ता था वो मतलब बंद है, तो काफ़ी दिक्कत हो गई दोस्तों। वो रास्ता बंद था, इसके लिए फुल ऑन घूम घाम के आना पड़ा। ऐसा लगा लिटरली वो धमाल पिक्चर में चारों किस तरह भटकते जंगल जंगल, ऐसी हालत हो रही है। पर खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आसपास मतलब गाड़ियाँ जा रही है तो हमको भी मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई सबको तकलीफ है, सब लोग घूम के यही रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद है। हल्की सी बारिश भी चालू हो गई है दोस्तों। फाइनली जंगलों भरा रास्ता ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही दूर है गोवा, बस वो आगे जो दिख रहा है चौराहा वहाँ से हमको राइट टर्न लेना है, वहाँ से बस 10-15 किलोमीटर दूर है। सामने एक अहमदाबाद की गाड़ी थी, वो मेरे को चेस कर रहे थे, फिर बाद में वो पीछे चले गए, फिर मैं उनको चेस कर रहा था, बड़ा मज़ा आया था। मुंबई की वगैरह गाड़ियाँ जा रही थी कंटिन्यू, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आया हमको। देखते अभी बहुत लेट हो गया एक्चुअली हमको। दोस्तों लिटरली रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए सब ब्रिजेस वगैरह आधा आधा बना के छोड़ दिया है, पता नहीं ये कितने सालों से ऐसा ही पड़ा है, पूरा जंग लग रहा है उसको, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। देख सकते हो ये देखिए आधे आधे ब्रिज बना के छोड़े हुए हैं, सालों से वैसे ही पड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लिटरली बहुत प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। अभी यहाँ पर दूध सागर जो वाटरफॉल है, जंगल रिसोर्ट वगैरह आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ से 1 किलोमीटर है बस, तो वहाँ पर हमारे जाने का प्लान नहीं है, हमारे को तो चलना है गोवा सीधा। दोस्तों प्रॉपर पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरी शाम हो चुकी है और यहाँ पर माउंट आबू जैसे टर्निंग आ रहे हैं, ब्लाइंड टर्न आ रहे हैं पूरे, देखते कहाँ तक चलेगा। दोस्तों फाइनली 8:30 बजे यानी कि 13 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग आखिरकार पहुँच ही गए गोवा। मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं आराम ही करूँगा, रात को उठ के थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे, नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, उसके बाद कल पूरा दिन घूमेंगे और परसों मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए तो फिर दोस्तों आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।